मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के बीच मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा। बागमती नदी में पलटी 33 बच्चों से भरी नाव, 16 हो गए लापता। जी हां, इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर में गया घाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के मधुपट्टी घाट पर बागमती नदी में नाव हादसे के दौरान 16 बच्चे लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं 17 बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि नाव में 33 बच्चे सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी इलाके में भटगामा गाँव के मधुपट्टी घाट पर बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस हादसे में 30 से अधिक लोगों के डूबने की खबर है, जिसमें दर्जन भर लोगों को बचाया गया है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद बाहर निकाले गए बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। आनन फानन में मौके पर पहुंचे राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 33 बच्चे सवार थे, जिनमें से 17 बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 16 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं। ऐसे में उनके दौरे के बीच मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, वहीं आपको बता दें कि 4 साल के बच्चे मोहम्मद नौशाद के पुत्र अजमत के रूप में शनाख्त की गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा शव को खोजा गया है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बच्चा भटगामा गांव का ही रहने वाला था। वहीं जिन लोगों के घरों के बच्चे या कोई और लापता है, वो इंतजार में है। बता दें कि यह घटना बेनीबाद ओपी क्षेत्र के मधुपट्टी घाट के समीप हुई थी। बागमती नदी में नाव डूब गई थी। इसमें ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे ही सवार थे। We'll be right back.